आज सुबह से लगातार बारिश आ रही है और बारिश में कालू बैठा है नीचे गैलरी में। और ये देखिए, बारिश थोड़ी सी बंद हुई तो ऊपर हमारा शेर खान आ गया। इसको दे दिया मैंने खाना और इसकी चोट अभी देखो ठीक नहीं हुई है। नीचे है छुटकी और छुटकी की माँ, ये भी मेरे ख्याल से बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से खाना खा लें। और अब 6:30 बजे हम निकल पड़े हैं एक शादी अटेंड करने के लिए। ये लगा लो कि बस जल्दी से बस शादी अटेंड करके आनी है। नहीं, 6:30 बजे भी कोई शादी में जाता है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश आ रही है। बारिश की वजह से पूरा प्रोग्राम चेंज हो चुका है। आप सभी एक तरह से फॉर्मेलिटी सी करेंगे बस कि जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगाओ और चलो अपने भागो घर। मौसम इतना ख़राब हो रखा है सुबह से ही, तेज़ बिजली चमक रही है, लगातार बारिश आई जा रही है, तो ऐसे में कहीं भी जाने का मन नहीं करता। और ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश आ रही है। और यहाँ पे ये लगे हुए अपनी ड्यूटी पे प्रिंसिपल सर और ये कन्यादान लिखने में। और यहाँ पे मिली मुझे आशा की प्यारी सी मैम और इन्होंने आशा को काफ़ी याद किया। और ये कॉमन मैम जो डायरेक्टर से हैं उनकी बड़ी बहू है। यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा बच्चा अपनी चैतानियों से मेरा ध्यान खींचे जा रहा था। और यहाँ पे मिली मुझे अपनी प्यारी सी स्टूडेंट और ये है इनकी मम्मी और ये है दोनों देवरानी जेठानी, ये उनकी छोटी बहू है। दोनों ही बहुत प्यारी हैं। और मिली है उनकी सास से जो डायरेक्टर सर है, उनकी वाइफ है ये। और ये खाना खा रही है, बता दिए क्या क्या खाना खाया। सारा आप खुद डाल के लाए हो, रस मलाई, दही बल्ले, मूंग का आलू। हाँ, हो गया पे आ गया हमारा पहला स्टाफ। इनसे मिलके इतनी खुशी होती है। ये मेरी स्टूडेंट है और प्यारी सी। अरे मेरे पास मेमोरी है, ये पता है ना, जो शुरू का स्टार्टिंग का जो स्टाफ होता है ना, उससे मिलके तो अलग ही खुशी होती है। ये भी आशा की मैम है, सबने आशा को बहुत याद किया। अभी मौसम ख़राब होने की वजह से सभी जल्दी में थे और बस फटाफट हम भी निकल आए। अभी तो कुछ प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ था और 9:30 बजे तक हम अपने घर वापस भी आ चुके थे, तो ये सारा मामला ख़राब हो गया बारिश की वजह से। अगर बारिश नहीं आती तो वहाँ पे हम रुक सकते थे, प्रोग्राम अटेंड कर सकते। और घर पहुँचते ही पीछे पीछे फ़ोन भी आ गया दुल्हन की बहन का, जो कि मेन कैरेक्टर है इस शादी की। वो मुझे काफ़ी मिस कर रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते थे, अब तो हम घर पहुँच चुके थे।